नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। महाराष्ट्र चुनाव काफी सरगर्मियां तेज कर रहा है। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था, गोदी मीडिया ने अपने हेडलाइंस में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की चुनावी रणभूमि में अगर कहीं खटपट है तो वो साफ तौर पर एनडीए में दिख रही है। और ये हम मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना रहे, बल्कि साफ तौर पर इसे बीजेपी के ही अपनों ने, या यूं कह ले कि गोदी मीडिया ने छापा है। गोदी मीडिया ऐसे तो अपने आका के खिलाफ कुछ छाप नहीं सकती है, इसलिए अब तो साफ है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव की तारीखें जैसे जैसे पास आ रही हैं, वैसे वैसे ही महायुति गठबंधन, जो भाईचारे की मिसाल या यूं कह ले कि प्रमाण देता फिरता है, उनमें सब कुछ बिगड़ता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अब बगावती तेवर जो आका ने, यानी कि बीजेपी ने छिपा कर रखे हुए थे, वो बगावती तेवर साफ तौर पर अब सभी के सामने निकल कर आने लगा है। और सबकी मानसिकता अब सामने आ गई है। जहां बीजेपी, शिवसेना यानी कि शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट, तीनों को अब साथ मिलकर चुनाव लड़ने की नसीहत दी जा रही है। और ये नसीहत आका ने खुद तीनों पार्टी को दी है। आका से अब तो आप समझ गए होंगे इस पूरे मामले में चर्चा किसकी हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सब कुछ ठीक चले और कोई बगावती तेवर ना दिखाए, इसके लिए अमित शाह यानी कि आका ने कमान संभाल ली है। लेकिन गृह मंत्री कहां समझ पाए कि कमान से तो तीर कब का ही निकल चुकी है, अब कमान संभालने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन फिर भी अमित शाह अपनी पूरी कोशिश में लगे पड़े हैं। बुधवार से ही महायुति की मीटिंग बैठ रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि गठबंधन अब टूटने की कगार पर आ चुका है, जिस कारण बार बार मीटिंग बुलानी पड़ रही है, या यूं कह ले कि बार बार गठबंधन में बैठे दिग्गजों को समझाना पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि एनडीए में सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। लगातार शिंदे बगावती तेवर दिखाते फिर रहे हैं। सीटों को लेकर जो दावे कर रही है महायुति, इन दो दिनों की मीटिंग ने ये साफ कर दिया है कि सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा ही हुआ है। मुख्य तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सीटों को लेकर अब बगावती सुर अपना रहे हैं। खैर, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा भी रहे हैं। बीजेपी के आका ने एक बार फिर इन सब के बीच अपनी धौस जमाना शुरू कर दिया है। महायुति को समझाने की कोशिश करी जा रही है, या यूं कह ले कि एक बार फिर अमित शाह ने गठबंधन पर धौस जमाते हुए अपनी दादागिरी चलाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन इसके बारे में चर्चा हो उससे पहले आपको बता दें कि बुधवार को महायुति की बैठक अमित शाह के घर पर बुलाई गई थी। बीजेपी आलाकमान के लाडले एकनाथ शिंदे इस बैठक में पहुंचे ही नहीं, और जिससे कहीं ना कहीं इस बैठक में शिंदे की ना मौजूदगी ये दर्शाती है कि अभी तक जितने भी भाईचारे की बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं वो महज एक दिखावा ही था। लेकिन आलाकमान कहां मानने वाले हैं। आलाकमान ने तो ये साफ तौर पर सोच लिया है कि गठबंधन भले ही तीन सहयोगी दलों से चल रहा हो, लीडर तो हम ही हैं। यानी कि बीजेपी खुद को हमेशा से लीडर समझती हुई आई है। चित भी उनकी और पट भी उन्हीं का। लेकिन फिलहाल इस चित और पट के चक्कर में अमित शाह की जो फजीहत हुई है ना, इससे पहले तो ऐसी फजीहत कभी नहीं हुई होगी। खुद उनके ही लाडले, जिन्हें गठबंधन ने मिलकर मुख्यमंत्री बनाया, वो ही आज बगावत पर उतर आए हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि बुधवार रात 3 बजे जो बैठक हुई, उसमें शिंदे की ना मौजूदगी के बाद कल फिर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अमित शाह अपमानित होने के बाद खूब फायर होते हुए भी नजर आए हैं। और ये खुद गोदी मीडिया ने चलाया है। दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार को फिर बैठक अमित शाह के घर पर बुलाई गई थी। इसके बाद वहां शिंदे भी मौजूद रहे और इस बैठक में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बातचीत तो हुई ही, साथ ही इस बैठक ने तो शक के घेरे को और साफ कर दिया कि महायुति गठबंधन जो लगातार महाराष्ट्र चुनाव में जीत का दावा करते फिर रहा है, उसमें सब कुछ तो ठीक नहीं ही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इसी बीच सत्ताधारी गठबंधन, महायुति में शामिल पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए लगातार बैठकें भी हो रही हैं। गुरुवार को भी महायुति की बड़ी बैठक हुई। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मीटिंग हुई। आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर जो सबसे दिलचस्प बात सामने आई है, वो ये है कि बैठक में अमित शाह की नजर महायुति के बागियों पर है। जी हाँ, खुद गोदी मीडिया ने ही इसे हेडलाइन बना डाला है कि अमित शाह की नजर महायुति के बागियों पर है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी के आका यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग में साफ साफ कहा है कि ध्यान रखना है कि बागी खड़े ना हो जाए। अमित शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार को ये सलाह दी है कि महायुति में कोई भी दल बागियों को खड़ा नहीं करेगा।
अमित शाह ने तीनों दलों बीजेपी एनसीपी और शिवसेना को एक साथ चुनाव लड़ने का निर्देश दे दिया है। अब इससे ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं अमित शाह ये तो समझ बैठे हैं कि बागी खड़े होने वाले हैं और हमें ही जहां तक लगता है कि सच को कितना ही छिपाया जाएगा कभी ना कभी तो सामने आएगा ही। तो लो भाई, अब इस गठबंधन के भाईचारे की खबर भी साफ साफ सामने आ गई है, वो बगावत के सुर भी बजने लगे हैं और तो और कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। और ये तो फिर हंसी टिटोली वाली बात हो गई कि अमित शाह खुद नसीहत देते फिर रहे हैं कि तीनों दलों यानी कि बीजेपी एनसीपी और शिवसेना को एक साथ चुनाव लड़ना है। अरे जब गठबंधन है तो इसमें नसीहत या समझाइश देने की कोई गुंजाइश ही पैदा नहीं होती है। खैर, इससे ये तो क्लियर है कि गठबंधन में समझदार कितने हैं और ना समझ कितने। खैर, समझदारी की बात तो बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन से ना ही की जाए तो ही सही रहेगा, लेकिन आपको बता दें कि ये बगावती सुर जो एकनाथ शिंदे दिखा रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि काफी समय से चुनावी गलियों में ये शोर मचा हुआ था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पर गोदी मीडिया एनडीए या बीजेपी के खिलाफ कुछ छाप दे, भला ऐसा कहां हुआ है। लेकिन अंत में सच तो सामने आ ही जाता है, तो बस चुनाव के आते आते तक भाईचारे की सारी पोल पट्टी खुलकर रह गई है और सियासी माहौल में बीजेपी आलाकमान के साथ साथ अब महायुति की भी बैंड बज गई है। लेकिन अभी भी बैठक तो हो गई, पर बैठक को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं उसके शोर ने अब राजनीतिक गलियों में पैर पसार लिया है। दरअसल आपको बता दें कि जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं उसमें ये साफ कर दिया गया है कि इस बगावती सुर के बीच जहां एक तरफ अमित शाह ने तीनों दलों को एक साथ चुनाव लड़ने की नसीहत दी है, तो वहीं दूसरी ओर बैठक में ये भी तय हुआ है कि महाराष्ट्र में महायुति साझा घोषणा पत्र जारी करेगी। महायुति में शामिल घटक दल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अपना अलग अलग घोषणा पत्र पेश नहीं करेंगे, बल्कि एक ही घोषणा पत्र पेश करेंगे। आलाकमान ने इस बैठक में बागियों को पूरी तरह से धमकाने की भी कोशिश की है। अब बागी कौन है, इस पूरी खबर को सुनने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि समझदार के लिए तो इशारा ही काफी है और साफ साफ आलाकमान नसीहत देते फिर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को डर तो यही सता रहा है कि अगर गठबंधन टूटा तो अस्तित्व पर तो सवाल उठेंगे ही, साथ ही महाराष्ट्र जैसा बड़ा क्षेत्र भी हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि शिंदे ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं उससे ये तो साफ है कि अगर मन का ना हुआ तो बदलाव निश्चित है। घोषणा पत्र को लेकर भी जिस तरह से मीटिंग में बातें निकलकर सामने आई हैं उससे ये भी साफ है कि अमित शाह ये समझ गए हैं कि अगर कंट्रोल को थोड़ा भी ढीला कर दिया तो गठबंधन में फूट पड़नी मुमकिन है। फिलहाल तो जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अगले हफ्ते महायुति का घोषणा पत्र आने की संभावनाएं हैं। साथ ही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि विधानसभा चुनाव के लिए तीनों पार्टियां अलग अलग प्रचार नहीं करेंगी बल्कि मिलकर प्रचार करेंगी। लेकिन खबरें कुछ और ही आती हैं और नतीजा हमेशा से कुछ और ही होता है, ये तो काफी समय से चलते आ रहा है, क्योंकि हमेशा से बीजेपी की कथनी और करनी में काफी अंतर रहा है जिसे अब जनता भी भली भांति समझ गई है। और कहीं ना कहीं अब ये भी नजर आ रहा है कि बीजेपी के सहयोगी भी बीजेपी की असलियत से धीरे धीरे वाकिफ होते जा रहे हैं, इसलिए अब बगावती सुर भी अपना रहे हैं। और बीजेपी इस बगावती सुर को इसलिए भी दबाने पर तुली हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ये भी समझ गई है कि लोकसभा के नतीजों के बाद सहयोगियों के बिना अस्तित्व कुछ भी नहीं है, इसलिए साथ छूटा तो सत्ता भी छूटी। खैर, जहां एक तरफ महाराष्ट्र इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चलने की खबर आती रही तो वहीं अब ये भी साफ हो गया है कि सब कुछ ठीक किनके बीच नहीं है, ये बताने और जताने की फिलहाल तो जरूरत नहीं है। और इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।